Good morning, class. This is our new ana physio class in which today we will study about the remaining portion of our digestive system, that is small intestine. क्योंकि last class में अपन ने stomach complete कर लिया था. Stomach pyloric sphincter के द्वारा अपने product को यानी काइम को small intestine के अंदर डालता है. तो next structure जो है वो small intestine है. ये आपके बॉडी का मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट बनाती है एलिमेंट्री कैनाल का. ये वो जगह है जहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएंगे. मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है और न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाते हैं. ये मस्क्यूलर ट्यूब होती है जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर के इलियोसीकल वॉल्व तक फैली हुई रहती है. ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही तो है जिससे स्टमक का काइम जो है वो इंटेस्टाइन में आएगा. तो उस पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर के इलियोसीकल वॉल तक फैली हुई रहने वाली एक मस्कुलर ट्यूब है. ये पोस्टर एब्डोमिनल वॉल से सस्पेंडेड रहती है मिजेंट्री के द्वारा. मिजेंट्री इसको लटकाए रखने का काम करती है पोस्टर एब्डोमिनल वॉल से. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सब डिविजन्स, तो इसमें ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम तीन पार्ट आते हैं. ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लंबा, जेजेनम 2.5 मीटर और इलियम 3.5 मीटर लंबा होता है. तो देखिए कितनी बड़ी, इसका सिर्फ नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी स्मॉल होती नहीं होती, बहुत लार्ज है. ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट है. ये कर्व्ड पार्ट होता है, पैनक्रियाज के हेड के चारों तरफ कर्व हुआ हुआ पार्ट है. पैनक्रियाज से होता हुआ यूँ घूमता हुआ निकलता है. फिक्स्ड रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है. पढ़ाई थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आ रही थी, वो अपन ने पढ़ी थी. तो ये एक फिक्स्ड रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है. जेजेनम जो 2.5 मीटर का होता है, ये ड्यूडेनम से एंटीरियरली जुड़ा हुआ होता है और पोस्टरली ये इलियम से जुड़ा होता है. इलियम 3.5 मीटर का होता है जो जेजेनम से एक्सटेंड होकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक फैला हुआ रहता है. इलियम के बाद के पार्ट को अपन लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. तो ये स्ट्रक्चर, ये ड्यूडेनम, अंदर जा कर के जेजेनम, जेजेनम जो है फिर इलियम के अंदर खुल रही है और इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन्स बताए गए हैं आपको. ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी अच्छे से नेचुरली दिखाई हुई बढ़िया वाली. ड्यूडेनम और उससे रिलेटेड ऑर्गन देखिए भाई, ये स्टमक बताया गया है. इसका एसिड काइम जो है वो स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा सीधा ड्यूडेनम में जा रहा है. ड्यूडेनम के आसपास आपको लीवर, गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है. लीवर के अंदर बाइल है जो गॉल ब्लैडर में डाला जाता है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसके अंदर आपको ड्यूडेनम दिखाया गया है. ये ड्यूडेनम आप देख सकते हो कर्व होता हुआ पैनक्रियाज की तरफ से निकल रहा है. इसके अंदर पैनक्रियाज दिखाई गई तो उसके चारों तरफ से घूमता हुआ ये जा रहा है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं अपन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा केमिकल डाइजेशन चलता है? जैसे स्टमक में तो अपन ने बोला प्रोटीन का डाइजेशन चलता है. किसके द्वारा? पेप्सिनोजन के द्वारा चल रहा था जो कि चीफ सेल से सीक्रेट हो रहा था. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन, ये भी एंजाइम्स का एक सोर्स है जो कि काइम के साथ में मिक्स्ड होता है. इसमें इंटेस्टाइनल सेल्स और पैनक्रियाज का रोल होता है और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से एंटर होता है इसके अंदर. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की विल्लाई देखिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो म्यूकोसा से बनी हुई होती है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि खाने का बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, यानी उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रही है. इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ये छोटी छोटी विल्लाई, प्रोजेक्शंस होते हैं ये. तो ये आपको डाइग्राम में दिखाया गया है. ये इंटेस्टाइन है, इसकी मसल लेयर दिखाई गई है, लार्ज सर्कुलर फोल्ड दिखाया गया है. ये ब्लड वेसल जो इसको सप्लाई कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की स्ट्रक्चर में विल्लाई दिखाई गई है, मुड़ी तुड़ी सी जो स्ट्रक्चर है. ये जो माइक्रो विल्लाई हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और एब्जॉर्प्टिव सेल्स पर ये पाए जा रहे होते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं. तो देखिए ये विल्लाई और विल्लाई के ऊपर माइक्रो विल्लाई. पहले जो हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर थी विल्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन की. इस विल्लाई पर भी और छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो विल्लाई, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं. ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. अब न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं? तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स,
ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स। लैक्टियल्स स्पेशलाइज लिम्फैटिक कैपिलरीज होती हैं, इनको अपन लैक्टियल्स कहते हैं, स्पेशलाइज लिम्फैटिक कैपिलरीज। तो डायग्राम में आपको एक विल्लाई का स्ट्रक्चर, एक विल्लस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो नीचे सब म्यूकोसा, यहाँ पर इसको आर्टरी सप्लाई करी, आर्टरी के ऊपर वेन है जो कि डिकंटैमिनेटेड, या डिकंटैमिनेटेड नहीं वर्ड सही, कंटैमिनेटेड वाटर फ्लूड को या ब्लड को कहिए, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या वेस्ट प्रोडक्ट कंटेनिंग ब्लड को लेकर के आ रही हैं। ये ब्लड कैपिलरीज ऊपर जाती हुई, ये लैक्टियल साथ साथ में, और ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स पास में छोटी छोटी सी सेल्स जो बनी हुई है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स देखिए, इनको अपन सर्कुलर फोल्ड्स कहते हैं या प्लीकी सर्कुलर एरियाज कह रहे होते हैं, प्लीकी सर्कुलर्स कहते हैं। ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के डीप फोल्ड्स होते हैं। जब फूड इसमें भर जाता है तब भी ये डिसअपियर नहीं होते, ऐसा नहीं कि फैल गए तो ये दिखाई नहीं दे रहे, नहीं ये दिखते हैं। सब म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस होते हैं, ये याद कर लीजिए, पेयर्स पैचेस सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं जहाँ पर कि लिम्फैटिक टिश्यू कलेक्ट होता है। इन पेयर्स पैचेस में लिम्फैटिक टिश्यू कलेक्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन, तो एंजाइम जो होते हैं वो ब्रश बॉर्डर से निकलते हैं जो कि शुगर को सिंपल शुगर में, यानी किसका डाइजेशन है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में आप शुगर कहते हो ना, तो ये डबल शुगर का डाइजेशन करता है सिंपल शुगर में। डबल शुगर मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो डाइसैकेराइड होते हैं उनको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है, और जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में आधा हुआ था वो कंप्लीट यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो प्रोटीन स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है, याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी डाइजेस्टिव फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। कौन सा एंजाइम? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और जो बचे हुए प्रोटीन का डाइजेशन है वो बचा हुआ सारा का सारा यहाँ पर डाइजेस्ट, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम भी करते हैं जैसे ट्रिप्सिन वगैरह। तो प्रोटीन पैनक्रियाटिक क्या, सॉरी, प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहे हैं? ट्रिप्सिन वगैरह। तो ब्रश बॉर्डर से जो एंजाइम निकलते हैं वो भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, ट्रिप्सिन वगैरह। अब केमिकल डाइजेशन, यहाँ पर डाइग्राम में देखिए, ये ड्यूडेनम पार्ट दिखाया गया है, स्मॉल जो स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन में जहाँ खुल रहा है, फिर यहाँ पर इसी पार्ट को जो है इलैबोरेट करके दिखाया गया है, पास में पैनक्रियाज दिखाई गई है, ये ड्यूडेनम पार्ट है, आगे जाकर के जेजेनम के अंदर खुल रहा है, जो पार्ट इस पैनक्रियाज को पूरा कवर किए रखे है वो ड्यूडेनम ही है। यहाँ पर आपको हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला और स्फिंक्टर दिखाई दे रहे हैं, मेजर ड्यूडेनल पैपिली दिखाई दे रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है, ये राइट लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है लीवर की, कॉमन हिपेटिक डक्ट दिखाई दे रही है। बस अब डाइजेशन, तो हमने कहा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स डाइजेशन रोल प्ले कर रहे हैं, ये फैट का डाइजेशन भी करवाते हैं लाइपेज एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करवाते हैं न्यूक्लियेजेस के द्वारा, और एल्कलाइन कंटेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम को, क्योंकि स्टमक से जो काइम आ रहा है वो एसिडिक नेचर का होता है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर एल्कलाइन कंटेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन कंटेंट होता है जो कि एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में फैट का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन और काइम का न्यूट्रलाइजेशन होता है। फैट में लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियेजेस काम में आ रहा होता है, और न्यूट्रलाइज करने में एल्कलाइन काम आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देखिए, वाटर एब्जॉर्ब होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी लंबी है वो उतने में पूरे वाटर एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन है। लिपिड्स डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे, अधिकतर सब्सटेंसेस तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से और लिपिड डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लीवर तक, वो हिपेटिक पोर्टल वेन या लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोपल्शंस देखिए, तो भाई पेरिस्टासिस, यहाँ पर भी यही मूवमेंट चलेगा, ये मेजर मीन है फूड को आगे बढ़ाने का, इसी के द्वारा फूड आगे खिसकता है। इसमें सेगमेंटल मूवमेंट देखा जाता है जो कि काइम को डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिलाता है और उसमें प्रोपेलिंग फूड को ऐड करता है। काइम को डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिलाता है, प्रोपेलिंग फूड में ऐड करता है।
नाउ दीज आर द डाइजेसिव सिक्रीशंस, लगभग 7 लीटर पर डे टिश्यूज और ल्यूमन से डाइजेस्टिव सिक्रीशंस यहाँ पे आते हैं. सॉरी टिश्यू और ल्यूमन से नहीं, टिश्यू से ल्यूमन में आते हैं. सॉरी 7 लीटर पर डे के हिसाब से डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो है वो टिश्यू से ल्यूमन में आते हैं. ये सिक्रीशंस किससे से मिलकर बने हैं? सलाइवरी ग्लैंड से, पैनक्रियाज, वाटर, एंजाइम्स, म्यूकस, कुछ आयन्स जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन्स, और इसके अलावा मास बैलेंस जो वाटर का हो रहा होता है. तो ये सब टोटल मिल करके 7 लीटर बन जाते हैं. देखो आपके इस पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर दिखाया गया है फ्लूड जो कि डाइजेस्ट सिस्टम में जा रहा है. 2 लीटर फूड और ड्रिंक है, 1.5 लीटर सलाइवरा सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, 0.5 लीटर बाइल लीवर से आ रहा है, 2 लीटर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आ रहे हैं, 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस है, 1.5 लीटर इंटेस्टाइन का सिक्रीशंस है. टोटल हो गए 9 लीटर. टोटल इनपुट हो रहा है ल्यूमन के अंदर 9 लीटर का. अब फ्लूड जो रिमूव हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें एब्जॉर्प्शन में 7.5 लीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, 1.4 लीटर लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया और 0.1 लीटर फीसेस के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, यानी स्टूल के साथ एक्सक्रीट हो गया. तो 9 लीटर रिमूव हो गया ल्यूमन से. तो 9 लगभग जो लीटर है उसका एक्सचेंज यहाँ पे चलता रहता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट, तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. भाई ऑब्वियस है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर लार्ज होता है पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और इंटरनल एब्डोमेन के फ्रेम बनाती है. ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखिए भाई, राइट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर जिसको आप स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं लेफ्ट को, और राइट को हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं. यहाँ ट्रांसवर्स कोलन दिखाए गए हैं, ऊपर ट्रांसवर्स मीजोकोलन दिखाए गए हैं. ये डिसेंडिंग कोलन है लेफ्ट कोलिक के पास वाली. कट एज दिखाई गई है उधर मेसेंट्री की. यहाँ पर टीनिया कोलिक सिग्मोइड कोलन बताया गया. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ये रेक्टम एनल कैनाल है. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन है ना ये. ये सीकम का पार्ट, तो देख लीजिए सारे पार्ट आप, नाम पढ़ने याद करने स्ट्रक्चर के साथ आपको. अब लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन देखिए, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. सीकम अपेंडिक्स के साथ में प्रॉक्सिमल एंड का पॉकेट होता है. प्रॉक्सिमल एंड पर एक पॉकेट होता है. सीकम क्या, अपेंडिक्स के साथ प्रॉक्सिमल एंड पर एक पॉकेट होता है. कोलन असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, 4 कोलन होती है. असेंडिंग कोलन राइट पर, सीकम और राइट कोलिक फ्लेक्सर के बीच में. ट्रांसफर्स कोलन हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट साइड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर के बीच में, और सिग्मॉइड कोलन एस शेप की होती है, टर्मिनल एंड के पास में पाई जाती है. तो 4 तरह की कोलन, सीकम हो गया, कोलन हो गया, अब बचा रेक्टम. ये एनल कैनाल का सबसे आखिरी सिरा है जो कि एनस पे खुलता है. इसमें इंटरनल इनवॉल्यूंट्री स्फिंक्टर और एक्सटर्नल वॉल्यूंट्री स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं. अब लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यूज, म्यूकोसा, विलाई इसमें होती नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर. म्यूकोसा जिसके अंदर बहुत सारी गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है एनल कैनाल के पास में. विल्लाई इसमें होती नहीं है. लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर इनकम्प्लीट होती है और 3 बैंड्स बनाते हैं जिसको अपन टीनिया कोलाई कहते हैं. सर्कुलर मसल पॉकेट्स बनाती है, हॉस्ट्रा बनाती है बैंड्स के बीच में. ये जो ऊपर अपन ने बोले ना कि 3 बैंड्स बन रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स के, उन बैंड्स के बीच में हॉस्ट्रा जिसको आप पॉकेट्स कहते हैं वो बना रही है सर्कुलर मसल. अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन, वाटर एब्जॉर्ब होगा इस जगह पे, फूड का जो इनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फीसेस के साथ में बाहर निकल जाएगा. ये डाइजेशन नहीं करवाती है फूड का. इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है और वो इस पार्ट को लुब्रिकेट करता है. म्यूकस स्मूथ बनाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में सीकम हमने पढ़ा, ये एक सैक लाइक फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का. दूसरा अपेंडिक्स होता है. लिम्फेटिक टिश्यू का एक्यूमुलेशन कई बार इस अपेंडिक्स के अंदर हो जाता है तो अपेंडिक्स फूल जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है. इस कंडीशन में अपन अपेंडिसाइटिस कहते हैं. आम भाषा में कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द उठा है, लोग कहते हैं अपेंडिक्स हो गया. अपेंडिक्स नहीं हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया. अपेंडिक्स तो स्ट्रक्चर है नॉर्मल, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं. ये सीकम से हैंग हुई भी रहती है. फिर दूसरा कोलन जिसके हमने 4 पार्ट पढ़ी थी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और एस शेप्ड का सिग्मोइडल कोलन.
फिर रेक्टम और लास्ट पार्ट एनस जो कि एक्सटर्नल बॉडी की ओपनिंग होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कौन सा ब्रेकडाउन और कौन सा एब्जॉर्प्शन कहाँ कैसे क्या होगा, तो भाई इसमें भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते ही नहीं है, इसमें बैक्टीरिया रेजिडेंट करते हैं, रेजिडेंट बैक्टीरिया डाइजेस्ट रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया द्वारा डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट रह गया वो इसमें पाया जाएगा, प्लस ये विटामिन के और बी को प्रोड्यूस करता है, गैसेस को रिलीज करता है, वाटर और विटामिन के और बी यहाँ पर एब्जॉर्ब भी होते हैं, रिमेनिंग मटेरियल फीसेस के द्वारा एलिमिनेट हो जाते हैं, जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई जरूरी वो हो गई और जो जरूरी नहीं थी वो फीसेस के साथ में एलिमिनेट हो जाएंगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोपल्शन देखिए भाई, स्लगिश पेरिस्टासिस यहाँ पे चल रहा होता है, मास मूवमेंट होता है जो धीरे होता है पर काफ़ी पावरफुल होता है, 3 या 4 बार एक दिन में इसमें मूवमेंट हो रहा होता है। किसका? प्रोसेस्ड फूड का। फीसेस का प्रेजेंस रेक्टम में रहता है और डीफिकेशन रिफ्लेक्स के द्वारा ये बाहर निकलेगा, इसको इंटरनल स्फिंक्टर मसल जब रिलैक्स होते हैं तो इसका डीफिकेशन का प्रोसेस चलता है, डीफिकेशन वॉल्यूंट्री एनल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन जिसको आप एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी कहते हैं उसके रिलैक्सेशन से ये होता है। बस इसके साथ में आपका इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट कंप्लीट, हालांकि काफ़ी लंबा हो गया था ये पोर्शन, पर आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मैंने दोनों एक साथ यहाँ पे करवा दी है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ईजी है, अच्छे डायग्राम्स हैं जो आपको याद हो सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।